गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि डिजो वॉच 2 बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। मैंने इसका अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू किया था ऑलरेडी, और एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा डाउन थी ये वॉच। और मैंने रिप्लेसमेंट यूनिट भी मंगाया था, उसमें भी इश्यूज आ रहे थे, बट बिल्ड क्वालिटी इसकी टॉप नॉच थी। अंडर 1900 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, उस 1900 से भी कम प्राइस में मैंने इसको बाय किया था ऑन लॉन्च डे, जब लॉन्च हुई थी। और रिव्यू अनबॉक्सिंग इसकी पड़ी हुई, अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हो। वैसे मैं लिंक दे दूंगा आपको कार्ट में, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर हम बात करें, डिजो एक और वॉच लॉन्च कर रहा है, डिजो वॉच डी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और कंपनी कहीं ना कहीं हर महीने कोई ना कोई वॉच लॉन्च करती है, और हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वॉच लें, क्योंकि हर महीने एक नई वॉच आ रही है। तो आप जो वॉच लेते हो, और ऑब्वियसली बात है, पुरानी हो जाती है, और आपको दूसरे ब्रांड की वॉच पसंद आती है जो कि और फीचर रिच होती है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बट जो डिजो ब्रांड है, वो आपको वैल्यू फॉर मनी कम प्राइस में और प्रीमियम बिल्ड के साथ जो कुछ प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। डिजो वॉच डी जो है, वो आपकी थोड़ी सी अलग, मतलब लुक के साथ अलग, थोड़ा सा प्रीमियम बिल्ड के साथ आपको देखने को मिलती है। और डिजो तो आपको पता ही, डिजो वॉच 2 प्रीमियम बिल्ड के साथ तो मिलती है। वैसे इसका जो प्राइस है डिजो वॉच 2 का, ये अभी 2499 से लेके 3000 रुपीज़ तक पे चल रहा है। अभी ऑन ऑफर भी ये 2299 में रहती है, उससे कम में नहीं जाती है। बट डिजो वॉच डी किस प्राइस में आएगी, क्या इसके फीचर्स मिलते हैं, दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है, तो बने रही मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। 7 तारीख को लॉन्च हो रही है डिजो वॉच डी, आप ग्रैब कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। बट अभी इस कंपैरिजन को आप देखिए, ताकि आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्या हमको अपग्रेड करना चाहिए डिजो वॉच डी में, या डिजो वॉच 2 ज़्यादा बेटर है, या डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स के साथ भी मैं इसका कंपैरिजन जरूर लेके आने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग कंपैरिजन को। डिस्प्ले की बात करते हैं यहाँ पे, पिक्सल साइज़, या अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी या वो सब चीज़ें, तो डिजो वॉच डी में आपको जो पिक्सल साइज़ है वो बढ़ाया गया है। 384 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, एज कम्पेयर टू डिजो वॉच 2 में आपको सिर्फ 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। इवन TFT डिस्प्ले आपको दोनों में मिलती है, बट यहाँ पे डिजो वॉच डी में डिस्प्ले का साइज़ भी आपका बढ़ाया गया है, करीब करीब 15% यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है साइज़। तो ओवरऑल यहाँ पे लुक एंड फील में प्रीमियम लगती है डिजो वॉच डी एज कम्पेयर टू डिजो वॉच 2। अगर आपका जो विस्ट है वो लार्ज है, तो आपके हाथों पे डिजो वॉच डी अमेजिंग लगने वाली है। बट अगर आपका मीडियम टू स्मॉल विस्ट है, तो आपको डिजो वॉच 2 एक बार देखनी चाहिए वैसे तो, या डिजो वॉच 2 से ज़्यादा बेटर है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स, राइट। और आगे बात करें, रेस टू वेक दोनों मिल जाता है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी नहीं बताया, कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास कंपनी यूज़ करती है। 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है, तो यहाँ पे शार्पनेस भी अच्छी खासी मिलती है, और पीक ब्राइटनेस वॉच 2 की ज़्यादा है पुरानी वाली एज कम्पेयर टू डिजो वॉच डी। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज को ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो। लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। एंड बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे डिजो वॉच डी में आपको एक्सपेक्टेड है 100 स्पोर्ट्स मोड इसमें भी देखने को मिलेंगे, और डिजो वॉच 2 में तो बहुत कम है, 16 ही स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। 5 EDM की वाटर प्रूफ रेटिंग आपको दोनों में ही देखने को मिलती है। 50 मीटर टू 30 मीटर तक सबमर्ज कर सकते हो प्रॉपरली, स्विमिंग के लिए बनी हुई है, शार ले सकते हो उसको पहन के आप, कोई इशू नहीं है। 85% तक की एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी डिजो वॉच डी में डेडिकेटेड सेंसर के साथ। डिजो वॉच 2 में भी लग रहा था एक्यूरेसी बेटर होगी, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक्यूरेसी कम निकली इसकी, और एक्यूरेसी आपके सामने है 70%। और सेंसर्स की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्ट्रो सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में। बट अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है डिजो वॉच 2 में, तो डेफिनेटली नहीं आएगा। डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में बोला गया था, प्रॉमिस किया गया था, बट आई डोंट नो, यहाँ पे अभी तक नहीं आया इन ऐप GPS और साथ में क्विक रिप्लाई का ऑप्शन। मेरे ख्याल से डिजो वॉच डी में हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते। बट यहाँ पे वाइब्रेशन तो आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, कॉल आईडी, कॉल कट, म्यूट कर पाओगे यहाँ पे, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, करंट टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में। एंड गाइस, बात करें यहाँ पे फुल टच पैनल है, स्मूथ स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 देखने को मिल जाएगा दोनों ही वॉचेस में। बात करें यहाँ पे अदर फीचर्स की, तो फाइंड माय फोन, कैमरा, शटर, म्यूजिक कंट्रोल, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। एंड एंड्रॉइड या iOS से आप प्ले कर सकते हो। डिजो वॉच एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, मतलब डिजो ऐप और डिजो 2 एप्लीकेशन भी आ चुकी है, तो आप देख लेना एक बार कौन सी एप्लीकेशन से अपीयर होगी। वैसे तो इन मैनुअल आपको बता दिया जाएगा, QR कोड को स्कैन करके भी आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर इज ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगी आपको दोनों ही वॉचेस। कस्टम UI यूज़ किया गया लिस्ट ग्रिड वाला, दोनों में ही आपको एज इट इज सिमिलर UI मिलने वाला है एज कम्पेयर टू डिजो वॉच 2। और सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो, और लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बट अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे बैटरी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं डिजो वॉच डी में ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू डिजो वॉच 2। और 30 डेज का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड किया गया दोनों ही वॉचेस में, बट अगर आप चार्ज करते हो तो 1.5 से 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में ले लेती हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 20 से 25 वॉट या 28 वॉट के चार्जर से मैक्सिमम चार्ज करो, इससे ज़्यादा मत चार्ज करो, क्योंकि मेरे साथ हादसा हो चुका है। मेरी पुरानी वाली वॉच शॉर्ट हो गई थी, मैंने उसको 60 वॉट के चार्जर से एक बार चार्ज किया था, 30 वॉट के भी एक बार ट्राई करके देखा था, करीब लगातार मैं चार्ज करता रहा,
3 से 4 महीने, उसके बाद वो खराब होगी। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ उस चीज़ पे भी। और 12 दिन का बैटरी लाइफ क्लेम किया गया है डिजो वॉच डी में, एज़ कम्पेयर टू डिजो वॉच 2 में 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया। मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, और उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात में करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके 6 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा आपको दोनों ही वॉचेस से। बट डिजो वॉच 2 थोड़ी सी कम चलती है, 6 दिन नहीं चलती है, 4 साढ़े 4 दिन चलती है। और हैवी यूजेस पे आपकी डिजो वॉच डी 5 दिन चल जाएगी, और डिजो वॉच 2 आपकी 3 से 3.5 दिन चल सकती है। आपके यूजेस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता। बट अगर हम बात करें मेन फीचर्स की तो HR मॉनिटर मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, SPO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी है, और डिजो वॉच डी में स्ट्रेस मॉनिटर भी देखने को मिलेगा आपको, ये अच्छी बात है। और साथ में स्लीप ट्रैक कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में, एक्यूरेसी अच्छी होती है स्लीप की। बट यहाँ पे नैप, डेली नैप अगर आप लेते हो 20 मिनट 30 मिनट का, वो रिकॉर्ड नहीं करता, ये आपको पहले से मानना पड़ेगा। इन सब वॉचेस में ये फीचर नहीं दिया जाता है। अमेज़फिट की वॉचेस आप देख सकते हो या ऑनर की वॉचेस देख सकते हो, ऑनर के बैंड देख सकते हो, उसमें आपका मिल सकता है डेली नैप्स को रिकॉर्ड कर लेता है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है। ब्रीद रिलैक्स का मूड मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, और गाइस यहाँ पे सेडेंटरी रिमाइंडर, रिमाइंडर्स टू मूव, ये सब चीज़ें दोनों में ही देखने को मिल जाती हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलने वाली है, दोनों ही वॉचेस की टॉप नॉच है। स्टेनलेस स्टील का डायल है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है, और 51 ग्राम्स की आपकी डिजो वॉच 2, बट डिजो वॉच डी आपकी कम ज़्यादा भारी नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिजो वॉच 2। यहाँ पे थोड़ा सा काम तो डेफिनेटली किया गया है, और 22 mm स्ट्रैप साइज मिलने वाला है डिजो वॉच 2 में आपको, और डिजो वॉच 2 में तो 20 mm है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है स्ट्रैप साइज़ के लिए, स्ट्रैप के लिए मतलब, जो डिजो वॉच 2 में थे, और आप ग्रैब ऑन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है वहाँ पे जाके। डिजो वॉच डी की बात करूँ तो 22 mm तो ऑप्शन मार्केट का आप यूज़ कर पाओगे, चूज़ कर पाओगे। सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है। एंड गाइस बात करें वॉच डायल, मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की टॉप नॉच है। प्राइसिंग की बात में करूँ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सेम प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगी डिजो वॉच डी भी। तो मेरे ख्याल से अगर आप डिजो वॉच 2 के लिए जा रहे हो तो फार 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 बेटर है आपकी डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स या डिजो वॉच 2 से आपकी डिजो वॉच डी, राइट? क्योंकि डिस्प्ले साइज बड़ा है, एक्यूरेसी स्लाइटली बेटर मिल जाती है, और पिक्सल साइज बेटर है यहाँ पे, पीक ब्राइटनेस अच्छी मिल जाती है यहाँ पे आपको। सबसे बड़ी बात है कि डिस्प्ले को थोड़ा सा बेटर किया गया है, एक्यूरेसी बेटर बढ़ाई गई है इसकी, डिस्प्ले जो कलर्स हैं वो थोड़े से पंची लगते हैं डिजो वॉच डी में आपके। और यही था एक डीप डाउन कंपेरिजन डिजो वॉच डी वर्सेज डिजो वॉच 2 के लिए। यहाँ पे कंक्लूजन की बात में करूँ तो ऑब्वियसली बात है डिजो वॉच डी में जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा बेटर निकल के आते हैं एज कम्पेयर टू डिजो वॉच 2। तो यहाँ पे मेरा वोट तो डिजो वॉच डी के लिए ही जाएगा, और बहुत जल्दी सेल पे जाएगी, 7 तारीख को आप ग्रैब कर सकते हो इसको थ्रू फ्लिपकार्ट। वैसे भी मैं नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। और गाइस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि औरों को भी इन्फॉर्मेशन दे सके, और मैं कोशिश करूँगा डिजो वॉच डी का अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू आप सभी के लिए ज़रूर लेके आऊँ, और वॉचेस है मेरे साथ तो उसके साथ भी कंपैरिजन करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को आप ऑल कर लो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो गाइस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।